तो स्वागत है फिर से आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको, एक पार्ट 1 में मैंने आपको 10 वर्ड कराए थे। पता है क्या है, अभी जो ये वीडियो है मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। यानी मतलब कि टू टाइम्स में मैंने रिकॉर्ड की ये किसी की, मतलब कि यार कोई बंदे को, मतलब सही ढंग से कोई बंदा अगर वीडियो बना रहा है उसे बनाने तक नहीं दिया जाता यार, कमाल हो गया यार। मैं, चलो छोड़ो यार, गुस्सा भी आ रहा है यार, क्या करें। अब वही फिर से बातें रिपीट मुझे करनी पड़ रही हैं। मतलब दो दो बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, अब तीसरी बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, वही चीज़ें मुझे फिर सेम टू सेम बोलेंगी। अजीब सा तो लगेगा, लेकिन चलो कोई ना यार, यही है, अब क्या कर सकते हैं। ओके, पार्ट 1 में मैंने आपको कुल 10 वर्ड कराए थे। ओके, पार्ट 2 में मैंने आपको उन 10 वर्ड जो मैंने आपको कराए थे, उन्हीं 10 वर्ड्स में से क्या होता है, तीन वर्ड्स का मैंने उन रूट मैंने आपको बताया था। वो कौन से थे? इगोइस्ट था, इगोटिस्ट था और एल्ट्रुइस्ट था। ये 3 वर्ड मैंने आपको वहाँ करवाए थे, क्लियर यहाँ पे। और इस वीडियो में मैं आपको जो 7 वर्ड बच गए हैं, उन 7 वर्ड्स का मतलब, अब इन्हीं से जो 7 वर्ड से कुछ एक नए वर्ड्स बनेंगे, कुछ नहीं बहुत सारे, इस वीडियो में तो बहुत सारे वर्ड्स नए बनने वाले हैं, तो वो हम करने वाले हैं। तो वीडियो की लेंथ ना लंबी होने वाली है, और इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज ना वो जाके देखो। वहां पे मैंने आपको जो 10 वर्ड बयान कराए, वहां की मीनिंग मैंने आपको बताई, और फिर मैंने वहां पर आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस भी कराई, प्रैक्टिस बनाई, प्रैक्टिस कम से कम सेकंड पार्ट में तो मैंने आपको 3 बार प्रैक्टिस कराई होगी उन्हीं सेम वर्ड्स की मैंने, कि भी उनको प्रोनंसिएशन कैसे करते हैं, उनको मतलब सही, मतलब क्या करना था उनको, सही गलत भी करना था वहाँ पे, उन्हीं वर्ड्स को दोबारा से लिखना भी था, और एक लाइन जो ऊपर नीचे लिखे होते हैं उनको अरेंज भी करना था। तो काफ़ी चीज़ें मैंने वो आपको वहाँ करवाई थी। और इसी में भी, इसी चैप्टर, इसी पार्ट 3 में, इसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाता है, ये सीजन 3 आता है, फिर इसके बाद कंप्लीट होता है, फिर हम नए पे चलेंगे, कुछ एक नए वर्ड स्टार्टिंग से देखेंगे, फिर उन्हीं के द्वारा जो नए रूट बनेंगे वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर ख़त्म होता है वो जो 10 वर्ड से रिलेटेड जो नए वर्ड्स बन रहे हैं, वो आपको मैं, क्या होता है कि इसी सीजन यानी पार्ट 3 में वो खत्म हो जाएंगे। तो देखना है कि इन्हीं वर्ड से आपको इस सीजन में आप कितने नए वर्ड सीख जाओगे। अप्रोक्सीमेट आई थिंक सो 1500 मे बी 1500 इन सीजन 1 में, नहीं मतलब इस पूरी होल बुक में आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आप 1500 वर्ड जो है आपको याद हो जाएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब आपके पास होंगे। और इन जब 1500 मे बी इससे ज़्यादा हो सकते हैं, जब ये 1500 वर्ड्स आपके याद होंगे, यकीन मानो जब इसके बाद आप और नए वर्ड्स याद करने जाओगे तो आपको उसमें मजा आएगा, वो वर्ड्स याद करने में मजा आएगा। एक वोकैब नहीं लगेगी आपको, एक गेम लगेगा। अब क्या होता है ना, कईयों को वोकैब याद करने में बोरियत महसूस होती है, वो बोरियत आप मतलब कि आपको कुछ नया सुनना होता है, या फिर आप उस चीज को, क्या होता है कि निमोनिक मतलब कोई कोई वर्ड, मतलब किसी कोई कहानी बना के या फिर उससे कोई पिक्चर रिलेट करके आप वो वर्ड याद करते हो, इससे तो काफ़ी टाइम तक तो वो याद रहता नहीं है। एज कम्पेयर टू अगर आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करो तो ये तो बहुत टाइम तक, लंबे तक याद रह जाएंगे, वो कैब इतने टाइम तक याद नहीं रहेगी। लेकिन इसको भी एक लिमिट में क्या होता है कि एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस मीन्स कि आपको ये वीडियो को दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा वो PDF आप लोगों को एक बार बस अपनी आंखों के आगे से निकालनी है। और जो PDF आपको मिलेगी, मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे दे रखा है, तो आपको वहां जाके ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन भी नहीं करोगे तो कोई ना, वहां जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। सभी की मैंने वहां PDF प्रोवाइड करवा रखी है, जैसे कि जो मैंने बेसिक लेक्चर आपको स्टार्टिंग से कराया था, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का और नाउन का जो करवा दिया था, और कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो मैंने आपको करवा दिए थे, अब इडियम फ्रेज जो स्टोरी बना के, तो उसकी 3 स्टोरी मैंने आपको वहाँ पे करा दी है, और उसके अंदर मैंने आपको 172 वर्ड्स, मैंने 172 इडियम्स आपको वहाँ मैंने कराए हैं, उसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। और ये तीसरा पार्ट जो आ रहा है, पार्ट 3 जो है, ये यहाँ पर हो जाएगा। और जो कर रहे हैं CGL 2019 की, जो 2019 की तैयारी, उन्हीं के लिए यह है। 2018 का तो पेपर तो 6 तारीख से, मतलब कि 6 नहीं, 4 4 तारीख से वो स्टार्ट ही हो रहा है, तो उनके लिए तो ये है भी नहीं, जो स्टार्टिंग से जिनका बेसिक कमजोर है, देखो उनके लिए है। अभी मैं बात तो बहुत कुछ कर सकता हूँ,
लेकिन फिलहाल हम नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होने वाली है। हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलो चलो भाई स्टार्ट करें। तीन वर्ड जो मैंने आपको बता दिए थे, अब सात वर्ड होते हैं। सात वर्ड में जो सात वर्ड रह गए थे उन्हीं से रिलेटेड हम कर रहे हैं। जो उन्हीं से रिलेटेड, जो उनका ओरिजिन मतलब कहाँ से वो बने हैं, उनसे रिलेटेड वर्ड्स और करेंगे। अभी मैं आपसे एक बात आता हूँ। जो मैंने पार्ट वन जो मैंने आप लोगों को कराया था, मेरी शायद स्पीड थोड़ी सी तेज है, मैं जान रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा। मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी तेज है, मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर समझ ना आए तो एक बार प्लीज़ रिपीट कर देना, आप थोड़ा सा क्या है कंट्रोल कर लेता हूँ। तो चलो देखो, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट जो स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो थी, पार्ट वन जो था, उसमें मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को। वो बात ये थी कि ये बोला था कि VERT, मैंने कहा था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, इनके लास्ट में देखो क्या आ रहा था। मैंने क्या उस वक्त बोला था, मैंने कहा था कि इनके लास्ट में VERT 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 आ रहा है। तो मैंने कहा था ये वर्ड आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ है। वहां पे मैंने बताया था, और वहां पे मैंने आपको मीनिंग नहीं बताया था क्योंकि मीनिंग उस वक्त मैं बताना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि इस वक्त बताना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, तो इस वक्त आपको मीनिंग जानना जरूरी है क्योंकि वो मीनिंग से ही आप बहुत सारी चीजें समझोगे। तो इंट्रोवर्ट का एक मतलब ऐसा बंदा होता है जो एक भीड़ समझ लो, उस भीड़ में वो अकेला रहना पसंद करता है, वो शाय हो सकता है या फिर वो अपने आप में मगन हो सकता है, उसे दूसरों की कंपनी पसंद नहीं है, ऐसा बंदा होता है। क्लियर? शाय भी ही हो सकता है, मतलब ये नहीं जरूरी वो शाय बंदा ही हो, और भी हो सकता है कि जरूरी नहीं वो शाय हो, उसे अब दूसरों की कंपनी पसंद नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हम कहें वो खुद में मगन रहने वाला बंदा हो। क्लियर यहाँ पे? और एक्सट्रोवर्ट होता है वो बंदा, जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो बंदा क्या होता है इंट्रोवर्ट का जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट का मतलब बिल्कुल ही अपोजिट, मतलब उसे पसंद है दूसरों के साथ रहना, पार्टी करना, दूसरों के साथ अपनी मतलब प्रॉब्लम शेयर करना या फिर दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो वो एक्सट्रोवर्ट होता है। एम्बीवर्ट पर्सन क्या होता है? एम्बीवर्ट पर्सन जो इनवर्ड, जो जिस जो मतलब खुद में मगन रहने वाला हो या और जो दूसरों के साथ भी खुश रहने वाला हो, जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज मिलती हैं, वो क्या होता है? वो होता है एम्बीवर्ट, जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज होती हैं। तो ये ज्यादातर इंसान क्या होता है? एम्बीवर्ट होते हैं। क्या होता है कि आप पार्टी में जाते हो और पार्टी के अंदर देखते हो कि आपका मूड अच्छा नहीं है, तो आप सोचते हो यार मैं अकेला बैठा हूँ, अकेला खुश हूँ। तो आप एक पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, तो अकेले बैठे रहते हो, वहीं आप बैठ के मतलब इंजॉय अपने आप में इंजॉय कर लेते हो। और या फिर पार्टी में जाते हो, मतलब कि ये सिचुएशन कब होती है? जब आपके दोस्त नहीं आए होते हैं। लेकिन अगर आपके दोस्त आए हुए थे तब आप एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो वहां पे। तो ये जो क्वालिटी अंदर आपके अंदर मिली, ये मिली एम्बीवर्ट। और ये जो एम्बीवर्ट हुआ, ये हुआ कि आपके अंदर ये जो सिचुएशन के अंदर सरकमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो बिहेवियर आपका चेंज हुआ है वहां पे, तो वो एम्बीवर्ट हुआ वहां पे। क्लियर? यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट मैंने आप लोगों को यहाँ करवा दिया है। अब ये जो बने हैं आर बिल्ट ऑन दी लैटिन वर्ब, एक लैटिन वर्ब है वर्टो। वर्टो देखो लास्ट में इनमें क्या लिखा हुआ है, VERT VERT VERT, तो इनसे ये मिलके बने हुए हैं। देखो यहाँ पे वर्टो, जिसका मीनिंग होता है टू टर्न, मुड़ना, मुड़ना यानी इनवर्ड, इंट्रोवर्ट यानी अंदर की तरफ मुड़ना, एक्सट्रोवर्ट यानी बाहर की तरफ मुड़ना, एम्बीवर्ट यानी दोनों साइड में मुड़ना, दोनों ही साइड डायरेक्शन रखना। इफ योर थॉट्स, आपकी सोच आर कॉन्स्टेंटली टर्नवर्ड, टर्न्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ती है, तो आप क्या बनते हो? इंट्रो, इंट्रो एज यू आर एन इंट्रोवर्ट। अगर आउटवर्ड होती है तो एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे, बाहर निकालना। एक होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपने सुना होगा, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना, तो वही चीज़ होती है एक्सपोर्ट, एक्सट्रो, तो बाहर की तरफ आउटवर्ड, तो आप बनोगे क्या ना एक्सट्रोवर्ट। एंड इन बोथ डायरेक्शन, आपकी दोनों ही डायरेक्शन में होगी, तो उसे बोलेंगे एमबी एंड एमबीवर्ट, दोनों ही। अब एमबी, अब देखो वर्ट, VERT लगा, VERT का मीनिंग तो हो गया आपके सामने वर्टो। वर्टो बोले तो टू टर्न, यानी वर्टो का तो VERT का मतलब हो गया आपके सामने टू टर्न। अब एमबी तो कुछ ना कुछ तो लेके आएगा ना, इसका मीनिंग तो बनेगा। ये प्रफिक्स है, ये प्रफिक्स यानी एमबी, एमबी का मीनिंग होता है बोथ, दोनों, यानी दोनों ही डायरेक्शन में। तो यहाँ आपको एमबी वर्ड से दो वर्ड मिले, एक तो वर्ट मिला जिसका मीनिंग हो गया वर्टो, एक मिला एमबी जिसका मीनिंग हो गया बोथ। अब ये जो एमबी है वो यूज किया जाता है इसमें, देखो एमबी, एमबी तो बहुत सी चीजों में यूज किया जाता है। आप आगे देखोगे ना तो एम्फीबियन के नाम से एक चीज देखोगे, वहां पर आप चीज समझ जाओगे। तो एमबी को आपको ध्यान से रखना है, एमबी का मीनिंग होता है दोनों। तो आपने देखा एम बी डेक्स्ट्रस, एम बी डेक्स्ट्रस, एम बी डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है?
एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वल स्किल, एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों का अच्छे से मतलब इक्वली स्किल से यूज कर सके। आप लोगों को वो मूवी तो याद ही होगी, थ्री इडियट। थ्री इडियट में आपने देखा था कि वो वायरस जो होता है, वो वायरस जो होता है वो क्या होता है, बोर्ड पे दोनों हाथों से लिख रहा होता है। सो वो एम्बिडेक्स्ट्रस, वो क्वालिटी जो है वो एम्बिडेक्स्ट्रस है, ओके, क्योंकि वो अपने दोनों हाथों का यूज कर रहा है, एम्बिडेक्स्ट्रस। अब नाउन क्या होता है, ये जो एम्बिडेक्स्ट्रस है ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या से होता है, ये देखो, ये क्या, ये क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताने वाला, किसी पर्सन की क्वालिटी बताने वाला, ये खुद एक क्वालिटी होती है, ये खुद एक क्वालिटी होती है। यहाँ पे एक स्किल हो गया, अभी अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। जिसके लास्ट में ओ यू एस लग जाए, सफिक्स होते हैं, इसको सफिक्स बोलते हैं, लास्ट में सफिक्स होता है, फर्स्ट में प्रफिक्स होता है, जिसके लास्ट में ओ यू एस लग जाए जनरली सामान्यतः क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है, और जिसके लास्ट में आई टी वाई लग जाए जनरली सामान्यतः क्या होता है, वो नाउन होता है। तो एम्बिडेक्स्ट्रस होता है एम्बिडेक्स्टरिटी। क्लियर? यहाँ पे एक वर्ड आता है यहाँ पे डेक्स्ट्रस। अब देखो एम्बिडेक्स्ट्रस तो हमने कर लिया, ऑब्वियसली डेक्स्ट्रस इज समथिंग, कुछ तो कुछ ना होगा, तो डेक्स्ट्रस मीन स्किलफुल, डेक्स्ट्रस मीन स्किलफुल, ओके, डेक्स्ट्रस मीन स्किलफुल, द नाउन डेक्स्टरिटी, डेक्स्टरिटी मीन इज स्किल, एक स्किलफुल, एक स्किल, ठीक है, एक गुणवान होता है, एक गुण होता है। क्लियर? यहाँ पे एक गुणवान होता है, एक गुण होता है। द एंडिंग ओ यू एस इज कॉमन एडजेक्टिव, जो लास्ट में एंडिंग ओ यू एस होता है, ओ यू एस होता है, उसका जो कॉमन मतलब वो एक एडजेक्टिव ही रहता है, सफिक्स होता है, ये ओ यू एस जो लास्ट में आता है उसे सफिक्स ही बोलते हैं, जैसे फेमस, डेंजरस, पैरलियस। और आई टी आई जो आई टी वाई होता है इज ए कॉमन नाउन, वो एक कॉमन नाउन होता है, वो जो सफिक्स दे जो लास्ट में इसके सफिक्स बनता है और वो एक नाउन देता है, वैनिटी, क्वालिटी, सिंप्लिसिटी। आपको स्पेलिंग क्वेश्चन, स्पेलिंग पे चेतावनी दे रहा है कि आपको स्पेलिंग का बड़ा ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? नोट दैट दी लेटर फॉलोइंग दी लेटर फॉलोइंग दी टी, जो टी के बाद जो वर्ड आ रहा है इन एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्ट्रस में टी देखो कहाँ है, ये रहा टी, इसके बाद टी के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, आर आ रहा है, एम्बिडेक्स्ट्रस इज आर, बट दैट इन डेक्स्ट्रस नेक्स्ट लेटर इज ई, बट अगर आप डेक्स्ट्रस में देखोगे तो उसमें वर्ड क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब इस चीज को समझना जरा, एम्बी डेक्स्ट्रस जो है वो एम्बी और डेक्स्ट्रस से मिलके बना है, एम्बी डेक्स्ट्रस जो है वो एम्बी और डेक्स्ट्रस से मिलके बना है, जहाँ एम्बी का मतलब होता है अपना क्या कहते हैं इसको, बोथ, और डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है स्किलफुल, बोथ स्किलफुल, बोथ हैंड इसके क्या होते हैं, स्किलफुल होता है वो। तो वहाँ पे डेक्स्ट्रस में तो स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने ई यहाँ से ड्रॉप कर दिया है, तो यही बोल रहा है कि एम्बी डेक्स्ट्रस में आर जो होता है वो टी के बाद आता है, लेकिन डेक्स्ट्रस खाली डेक्स्ट्रस में टी के बाद ई आता है। तो ये स्पेलिंग पे आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, ध्यान रखना है। ओके, डेक्स्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है लैटिन वर्ड में, अगर आप इसको डेक्स्टर को आप लैटिन वर्ड में देखो तो इसका मीनिंग होता है राइट हैंड, यानी सीधे हाथ वाला, सीधे हाथ वाला। तो ये एम्बी डेक्स्ट्रस ये मिलके बना हुआ है, एम्बी डेक्स्ट्रस, तो इसको बोलेंगे पर्सन बोथ हैंड आर राइट हैंड। क्लियर? यहाँ पे राइट हैंड इसलिए बोलते हैं, तो डेक्स्ट्रस उठ के आया है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है राइट हैंड। तो अभी तो बोला बोथ हैंड में क्या होता है, राइट हैंड स्किलफुल होता है वो बंदा। द राइट हैंड इज ट्रेडिशनली द मोर स्किलफुल वन, द जो राइट हैंड पर्सन होता है वो ट्रेडिशनली क्या होता है अपने मतलब कि बहुत स्किलफुल होता है। ओके, इट इज ओनली विद इन रिसेंट डिकेड दैट वी हैव कम टू एक्सेप्ट दैट लेफ्टीज और साउथ पाज आर जस्ट एज नॉर्मल एज एनीवन। अब ये बोला जा रहा है कि जो कुछ एक सालों में ही, डिकेड्स, कुछ दशकों में ही हमने एक्सेप्ट किया है कि जो लेफ्टीज होते हैं और जो साउथ पाज मतलब कि जो उल्टे हाथ वाले होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, एज कंपेयर करें हम दूसरों के साथ, वो उन्हीं के साथ कंपेयर मतलब होते हैं। अब इस चीज को जो लेफ्ट जो हैंड से लिखते हैं उसको अपने दिल पे नहीं लेनी है भाई, ये बात बस बोली गई है कि पहले उनको क्या समझा जाता था ऑकवर्ड। अभी आप देखो क्या होता है कि बहुत सारी एक पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में मानो कि 10 बंदे हैं, 10 बंदों में एक 11वां बंदा ऐसा आएगा, 11वां बंदा नहीं, 10 बंदे हैं, उस 10 बंदों में मान लो एक एक नौ 10वां जो बंदा है, बाकी 9 बंदे अलग, और जो 10वां जो बंदा है वो उल्टे हाथ से लिख रहा है, तो उसे क्या होता है थोड़ा सा अलग नजरों से देखना चाहते हैं कि आपको पहले कभी पता नहीं होता कि भी उल्टे हाथ से भी कोई लिख सकता है। ये तो हम अभी आके कॉमन
हमारे सामने अभी जाके कॉमन हुई ना चीज़ें कि भाई हाँ कि उल्टे हाथ से भी बंदे लिखते हैं, लेकिन अगर किसी को मानो पता ही नहीं था कि उस कम्युनिटी में दसों में से 9 बंदे सीधे हाथ से लिखते थे, लेकिन एकदम से अचानक से उल्टे हाथ से लिखने लगे तो ऑकवर्ड सा लगने लगा वहाँ पे। तो ये पुरानी बात बोलते हैं वहाँ पे, ये बोल रहा है कि अभी जो हाल फिलहाल दशक जो हुए हैं उसी में एक्सेप्ट किया कि लेफ्टीज और साउथ पा जो होते हैं वो एज नॉर्मल एज टू एनी वन। क्लियर यहाँ पे? तो इसी लेफ्ट हैंड से एक वर्ड बन के आता है कि लेफ्ट हैंड स्टिल यूज एज सिनोनिम ऑफ ऑकवर्ड। एक ऑकवर्ड माना जाता है, एक अजीब माना जाता है, अजीब अजीब। ओके, ऑकवर्ड का माना होता है अजीब। द लैटिन वर्ड, अब लैटिन वर्ड में लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड को बोलते हैं सिनिस्टर, सिनिस्टर। अब इसी सिनिस्टर को अगर आप इंग्लिश में उठा के ले आओ, इसी सिनिस्टर को आप इंग्लिश में उठा के ले आओ, उससे इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाता है थ्रेटनिंग, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला, शैतान, डेंजरस। क्लियर? लैटिन में तो सिनिस्टर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड, अगर आप सिनिस्टर बोलोगे तो वो समझेंगे लेफ्ट हैंड लैटिन में, लेकिन अगर आप इंग्लिश में सिनिस्टर यूज करते हो तो यहाँ पर मतलब हो गया थ्रेटनिंग, ईवल और डेंजरस। ए फर्दर कॉमेंटेरी ऑन आवर अर्ली सस्पिशियसनेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन। एक अलग से एक मतलब एक नई थ्योरी मिलकर आती है कि जो हम पहले सोचा करते थे लेफ्टी के बारे में। देर में स्टिल बी सम पेरेंट्स हु इंसिस्ट ऑन फोर्सिंग लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड चिल्ड्रन टू चेंज। तो क्या होता है कि अभी देर में भी सम कुछ एक पेरेंट्स हैं अभी भी जो अपने बच्चे को कोशिश करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड से लिखें, उसे फोर्स करते हैं। तो लेफ्ट हैंडनेस इज इनहेरिटेड। कहते हैं भाई लेफ्ट हैंड, अगर किसी का पिता लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो उसका बेटा डेफिनेटली लेफ्ट हैंड से लिखता हुआ ही मिलेगा। तो ये बोल रहे हैं कि वंशागत होता है। एंड एज सच एज मच एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स पोसेसर और एज आई कलर और नो शेप। मतलब कि जैसे कि अभी ये कंपेयर करा, जैसे कि पिता की जैसे आंखें होती हैं ज़्यादातर बेटे की आंखें भी वैसे हो सकती हैं, या माता की आंखों पे वो जा सकते हैं, तो अपने माता पिता की ही शक्ल पे वो जाता है, वैसे ही जो जो गुण उसमें अपने माता पिता से, तो ये गुण भी जो लेफ्ट हैंडनेस है वो अपने माता पिता से ही उसको मिलता है। ये बात बोल रहा है। विद वेरियस अनफॉर्चुनेट रिजल्ट टू द चाइल्ड, समटाइम स्टटरिंग और एन इनएबिलिटी टू रीड विद नॉर्मल स्किल। और कुछ एक अनफॉर्चुनेट रिजल्ट भी मिलते हैं बच्चे में कि कभी कभी वो हकलाता भी है और वो कभी पढ़ भी नहीं पाता, ऐसी कुछ इंटीग्रल प्रॉब्लम वो इन वैन जब वो पैदा होता है तब उसके साथ ही वो होते हैं वहाँ पे। तो यही चीज़ वो बोल रहा है कि जो लेफ्ट हैंडनेस है वो एक वंशागत है, कोई जरूरी नहीं कि वो बड़ा होके बाद में लेफ्ट हैंड से खुद अपनी मर्जी से लिखने लग जाता है, नहीं, वो स्टार्टिंग से ही लेफ्ट हैंड को प्रेफर कर रहा होता है। क्लियर यहाँ पे? द फ्रेंच वर्ड, अब लैटिन का हमने देख लिया, राइट हैंड देख लिया, लेफ्ट हैंड देख लिया। लैटिन में राइट हैंड को हमने देखा उसे डेक्स्ट्रस बोलते हैं, डेक्स्ट्रस बोलते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड को हमने देखा, लेफ्ट हैंड को वो बोलते हैं सिनिस्टर। सिनिस्टर को अगर आप इंग्लिश में उठा के लेके आते हो तो उसका मतलब होता है थ्रेटनिंग, ईवल और डेंजरस। आपको इंग्लिश मीनिंग याद रखना है तो इंग्लिश में आपके सामने एक नया वर्ड मिलता है यहाँ पे, सिनिस्टर। नेक्स्ट अगर हम फ्रेंच पे चले, अब फ्रेंच वर्ड में लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं, फ्रेंच वर्ड में राइट हैंड को क्या बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें हमें देखने हैं। देखो, लेफ्ट हैंड को बोलेंगे हम गॉश और राइट हैंड को बोलेंगे हम ड्रॉइट। ओके, अब गॉश जो है, अभी आपको इस पे फोकस करना है, जो गॉश जो है, गॉश यही वर्ड हम इंग्लिश में सेम लेके आते हैं और इसमें हम बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं करते, लेकिन जब हम ड्रॉइट पे ऊपर जाते हैं, ड्रॉइट में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम वो थोड़ी सी देर बाद देखते हैं, लेकिन हम गॉश में देखते हैं, गॉश को हम बिल्कुल ही बिल्कुल क्या करते हैं लेके आते हैं इंग्लिश में एज इट इज। जैसे सिंस्टर को लेके आए ऐसे ही गोश्त को लेके आएंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, यू वुड सस्पेक्ट व्हेन यू टुक दिस वर्ड ओवर इनटू इंग्लिश वी इन्वेस्टेड इट विद एन अनकॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग। तो हमने क्या मिला इसमें, अनकॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग मिला। अनकॉम्प्लीमेंट्री यानी किसी को, एक होता है कॉम्प्लीमेंट देना, एक होता है अनकॉम्प्लीमेंट्री यानी किसी को गलत बोलना। कॉल समवन गोश, गोश का मीनिंग होता है बद्दा, गोश, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है गोश। ओके, ची गोची गोची का ऐसे कुछ गोची गोची ऐसे नहीं करना है, गोश आपको ध्यान रखना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है गोश, GOSH, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करनी है, स्पेलिंग ये याद रखनी है, ये स्पेलिंग नहीं होती है, जो ब्रैकेट में लिखा है उसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ आपके सामने, ये स्पेलिंग नहीं होती, स्पेलिंग ये होती है, इसको वर्ड को आपको याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन ऐसे करनी है गोश। एंड यू इम्प्ली, इम्प्ली का मतलब होता है, इम्प्ली का मतलब ही मतलब होता है, यानी मतलब, इसको आप मतलब लिखोगे ऊपर। एंड आपका मतलब है
क्लम्जीनेस भद्दापन, जनरली सोशल रैदर रैदर देन फिजिकल, जनरली सोशल, सोशल मीनिंग कि वो सोशली जो है भद्दा है, फिजिकली ही नहीं, फिजिकली यानी कि आप लंगड़े जो हो गया, मतलब लंगड़ा हो गया, या फिर जिसका हाथ नहीं है, जिसकी आंख नहीं है, वो आप उसको फिजिकली आप उसे क्लमजीनेस नहीं बोल सकते, आप उसे गॉस नहीं बोल सकते। सोशली मतलब उसके दिमागी हालत, वो दिमाग से मतलब वो पैदल है, वो मतलब पागल को नहीं बोल सकता, वो तो एक हो जाता है, मतलब एक जो होता है ना बेवकूफ़ी हरकतें करने वाला, तो वो आप उसे क्लमजीनेस यानी एक गॉस बोलोगे वहाँ पे। ओके, यहाँ पर क्लियर हुआ आपके सामने? वी आर राइट बैक टू आवर एज ओल्ड मिसकंसेप्शन दैट लेफ्ट हैंडेड पर्सन आर लेस स्किलफुल देन राइट हैंडेड वन। अब क्या था, हम पुराने टाइम में चले तो पुराने टाइम में ये मानते थे कि भी जो लेफ्ट हैंड पर्सन है वो लेस स्किलफुल होता था एज कम्पेयर टू राइट हैंड पर्सन। ए गोश रिमार्क टू टैक्टलेस, टैक्टलेस बेअदब, एक गोश रिमार्क, एक अभी गोश का मीनिंग होता है कि एक टैक्टलेस मतलब कि चतुर नहीं होता एक तरीके से, आप जिसमें मतलब कोई समझदारी नहीं होती। ए गोश ऑफर ऑफ सिंपथी इज बम्बलिंग अशुभ की तरह एज टू बी एम्बेरसिंग, एक गोश किसी को एक एम्बेरसिंग महसूस कराता है। गोशरी, गोशरी इज एन ऑकवर्ड क्लमजी टैक्टलेस एम्बेरसिंग वे टू सेइंग थिंग और ऑफ हैंडल सिचुएशन, मतलब एक अजीबो भद्दे तरीके से किसी सिचुएशन को संभालना या एम्बेरसिंग महसूस करना उस सिचुएशन में। द गोश पर्सन इज टोटली विदाउट फेंस, मतलब उसमें चालाकी बिल्कुल भी नहीं होती है। क्लियर? यहाँ पे हमने फ्रेंच वर्ड का हमने क्या देखा, गोश देखा, गोश का मीनिंग होता है भद्दा, एक लेफ्ट हैंड मतलब जिसको पुराने टाइप में भद्दा ही माना जाता था, इस तरीके से हमने देखा वहाँ पे। ओके, वहाँ गोशरी, फिर हमने इसका क्या देखा, एक गोशरी देखा जिसका मतलब होता है ऑकवर्ड क्लमजी। यहाँ पे नेक्स्ट हमने देख रहे हैं, अब हमने लेफ्ट हैंड देख लिया, अब हम राइट हैंड देखते हैं। तो राइट हैंड होता है ड्रॉइट, विच वी हैव यूज्ड बिल्डिंग आवर इंग्लिश वर्ड एड्रॉइट। अब हम इंग्लिश इंग्लिश में इस ड्रॉइट से हम इंग्लिश वर्ड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एड्रॉइट। नीडलेस उसे एड्रॉइट लाइक डेक्सटर्स, अब हम इसको कह सकते हैं कि ड्रॉइट एक डेक्सटर्स के होता है, लेकिन कुछ एक मीनिंग डिफरेंट होता है इसका, देखना है। डेक्सटर्स हो गया बोथ हैंड, मे बी बोथ हैंड मीन स्किलफुल, स्किलफुल हो गया, बट स्पेशली द एक्सरसाइज ऑफ द मेंटल फैसिलिटी, लेकिन एड्रॉइट जो है वो ज़्यादातर मेंटल जो दिमाग से चतुर होता है उसके लिए यूज होता है। देखो सेनेनिम होते हैं काफ़ी वर्ड्स के, लेकिन कुछ एक जो वर्ड होते हैं वो किसी चीज़ को स्पेसिफिक करने के लिए बनाए जाते हैं, पूरी तरह से कोई भी किसी का मतलब स्थान नहीं ले सकता, अगर कोई किसी वर्ड का स्थान नहीं ले सकता तो उस वर्ड को बनाने की जरूरत भी ना पड़ती। क्लियर? यहाँ पे तो हर एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग होता है, जैसे डेक्स्टर्स को मेंटल फैसिलिटी के ऊपर हम नहीं रख सकते, उसे एड्रॉइट ही रखना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे एड्रॉइट जो होता है वो मेंटल यानी दिमागी से आप कितना चतुर हैं, डेक्स्टर्स होता है स्किलफुल, लेकिन एक एड्रॉइट होता है दिमाग से आप कितना तेज है। अब लाइक गोश एड्रॉइट इज ए और इट्स गोश और एड्रॉइट और इट्स नाउन एड्रॉइटनेस, एड्रॉइटनेस यूजली यूज इन फ्रिगेटिवली आदर्श रूप से। द एड्रॉइट पर्सन इज क्विक विटेड, एक एड्रॉइट पर्सन होता है हाजिर जवाबी बंदा होता है, कैन गेट आउट द डिफिकल्ट स्पॉट क्लेवरली, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से वो बड़ी आसानी से निकल आता है, कैन हैंडल सिचुएशन इनजेन्यूसली, किसी भी हैंडल को वो चतुरतापूर्वक हैंडल कर सकता है। एड्रॉइटनेस इज देन क्वाइट द अपोजिट ऑफ गौशरी, एड्रॉइटनेस इज बिल्कुल उल्टा है गौशरी के, जैसे इंट्रोवर्ट उल्टा है एक्सट्रोवर्ट के, ऐसी एड्रॉइटनेस इज गौशरी के बिल्कुल अपोजिट है। क्लियर? यहाँ पे अभी हमने कुछ एक वर्ड देख लिए हैं, अब हम देखने वाले हैं मिसेंथ्रोप, मिसोजेनिस्ट, मिसोगैमिस्ट। मैंने जब पार्ट वन में आपको मिस का मैंने वहां पर भी आपको बोला था कि आपको एम आई एस को आपको यहाँ पे आपको देखना है, जिसे VRT बोला था मैंने, आपको बोला था कि MIS को आपने देखना है, आपको वो ध्यान रखना है। वो चीज़ क्या ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे आप समझोगे, देखो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मिसेंथ्रोप का मैं एक बार मीनिंग बता देता हूँ, जो मिसेंथ्रोप होता है जो ह्यूमन जो पूरी मानव जाति से नफरत करता है, मिसोजेनिस जो जो नफरत करता है पूरी औरत जाति से, मिसोगैमिस जो नफरत करता है शादी से। क्लियर? ये मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिए हैं, वहाँ बाकायदा आपकी प्रैक्टिस भी कराई है, मैं फिर से यहाँ पे आपकी मतलब वो चीज़ दोबारा से नहीं करने वाला, तो वो वीडियो आपको देखनी है और PDF भी वहाँ मिल जाएगी, PDF भी मैंने प्रोवाइड करा रखी है। ओके, आर बिल्ट ऑन दी ग्रीक रूट, अब ये ग्रीक रूट MISEN मेसियन से लिए गए हैं जिसका मतलब होता है हेट, ग्रीक रूट एमिसियन से लिए गए हैं जिसका मतलब होता है नफरत करना। क्लियर?
दी मिसेंथ्रोप हेट मैनकाइंड। अब आप समझ गए कि जहां पर भी आप मिस लिखा देखोगे, मिसेंथ्रोप, मिसनजेनिस्ट, आप समझ जाओगे कि यहाँ मतलब हो रहा है नफरत करना, क्योंकि लैटिन वर्ड MISIN से मिलके बने, MISEIN से मिलके बने, तो जाहिर सी बात है आप समझ जाओगे कि अब मीनिंग हो गया इसका नफरत करना। अब देखो मिस मिस MIS यहाँ पे तो मीनिंग बन रहा है कि भाई आप नफरत कर रहे हो, लेकिन बाद वाला वर्ड भी तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर दर्शाएगा, उसका मीनिंग भी तो कुछ होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि बाद वाला वर्ड क्या बताते हैं हमें। ओके, तो यहाँ हम देख गए कि मिसोएंथ्रोप, मिसोएंथ्रोप का मतलब होता है हेट मैनकाइंड। अब एंथ्रोप से हमें पता चला मैनकाइंड यानी मानव जाति, एंथ्रोप से हमें पता चला मैनकाइंड यानी मानव जाति। मिसोजेनिस्ट, मिसोजेनिस्ट हेट वुमेन। अभी हमें यहाँ मिसो को हमने हटाया तो हमने GYNIST लिया यानी जेन लिया हमने, जिसका मीनिंग वाला वुमेन। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट में हमने मिसो हटाया और गैमिस्ट लिया यानी ग्रीक वर्ड हमने, मिसोगैमिस्ट मतलब होता है शादी से नफरत करने वाला, तो यानी गैमोज लिया जिसका मतलब होता है शादी। ओके, हमने यहाँ से कौन कौन से वर्ड उठाए हैं, एंथ्रोप, एंथ्रोप का मीनिंग हो गया मैनकाइंड, हमने फिर उठाया है GYNE जेन जिसका मतलब होता है वुमेन, फिर हमने यहाँ से गैमोस मीनिंग उठाया जिसका मतलब होता है शादी। ये वर्ड आपको याद रखना है, और MIS का मीनिंग आपके सामने मैंने क्या बताया होता है नफरत करना, MISEN जो एक ग्रीक रूट है जिसका मतलब होता है हेट करना, जिसमें इंग्लिश में हम इसका यूज़ करेंगे किसी के पीछे भी मिस लगा, मिस एंथ्रो, मिसो एंथ्रो, मिसो जैन, काफ़ी सारे वर्ड करेंगे, जहाँ पर भी आप ये चीज़ देखो तो समझ लो वहाँ पर कोई ना कोई नफरत की बात की गई है। क्लियर यहाँ पे? ओके, अब हमने यहाँ पे देखना है एंथ्रोप मैनकाइंड होता है, इज आल्सो फाउंड इन एंथ्रोपोलॉजी। अब एक वर्ड जो अब एंथ्रोप से हम चखते हैं, अब एंथ्रोप हमने देख लिया जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, अब ये बोलते हैं एंथ्रोप का आपको पता चल गया मैनकाइंड। अब ये एंथ्रोप कहाँ कहाँ पाया जाता है वो देखना है हमने, एंथ्रोप पाया जाता है एंथ्रोपोलॉजी, 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 इसका मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, कि एक स्टडी करना कि एक आदमी जो बंदर से इंसान बना उस रेस की एक स्टडी करना कि कैसे वो अपने आप को दिमागी यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, कैसे डेवलप हुई, कैसा विकास हुआ एक ह्यूमन जाति का, उसकी स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, करिए क्लियर, एंथ्रोपोलॉजी कहलाते हैं। तो यहाँ से एंथ्रोपोलॉजी से आप समझ जाओगे कि एंथ्रोप जो मीनिंग जो आपको दे दिया, जो एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग जो आपको दे दिया मैनकाइंड। अब लॉजी का मतलब आप समझ जाओगे कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, क्लियर, आप समझ जाओगे धीरे धीरे आगे वर्ड आएंगे बहुत सारे, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। यहाँ पे एंथ्रोप का मीनिंग हो गया ह्यूमन रेस, अब ह्यूमन रेस की क्या करना, स्टडी करना, अब स्टडी क्या करोगे उसके डेवलपमेंट की भी, डेवलपमेंट हुआ कितना हुआ कैसे हुआ। तो अब बात करते हैं, अब आगे चलते हैं, एंड इन फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट वन हु लव मैनकाइंड एंड शो सच लव बाय मेकिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और बाय डोनेटिंग टाइम एंड एनर्जी टू हेल्प दोज इन नीड। एक फिलेंथ्रोपिस्ट एक पर्सन, वो इंसान जो दूसरों की मदद करता है, अपना टाइम निकालता है, उनको अपना टाइम निकाल के उनकी मदद करने जाता है, एनी टाइप ऑफ दे ही कैन हेल्प दे इन दिस टाइप, मतलब कि वो किसी भी टाइप की मतलब हेल्प कर सकता है किसी भी लोगों की, किन्हीं प्रकार के लोगों की, लाइक किसी को अच्छा पढ़ाना आता है तो वो अपना टाइम निकालता है तो उनको पढ़ाने जाता है, ही इज ऑल्सो ए फिलेंथ्रोपिस्ट। या जिसके पास पैसा है वो पैसा देकर गरीबों को उनके लिए कुछ कपड़े खरीदता है तो ही इज ऑल्सो ए फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट काफ़ी चीज़ों में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो पैसा देकर ही बने, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, बहुत सी चीज़ों देकर वो फिलेंथ्रोपिस्ट बनता है, क्लियर। यहाँ पे जो मानव जाति से प्यार करता है, एक तरीके से हम ये बोले जो मानव जाति की मदद करता है, उनकी सहायता करता है, तो जिनसे प्यार करने वाला हो गया फिलेंथ्रोपिस्ट, क्लियर। अब दी रूट, अब हमने एंथ्रोप से देख लिया, अब यहाँ पे आप एक चीज समझ जाओगे, एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपिस्ट तो आपके मैनकाइंड, अब फिला सॉरी फिला का मतलब बनता है अब यहाँ पे प्यार, फिला का मतलब बनता है यहाँ पे प्यार, लॉजी का मतलब बनता है स्टडी। अभी मैं बस इतना ही बता रहा हूँ, ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा सा मतलब कि माइंड पे इतना जोर नहीं देना है आपको, बस यहाँ से इतना देखना है। एंथ्रोपोलॉजी हमने देखा, एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, एंड इन फिलेंथ्रोपिस्ट, इसकी प्रोनंसिएशन देख लीजिएगा, पीला नहीं बोलना है, फिलेंथ्रोपिस्ट, FAF का साउंड देना आपको, पीला फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं बोल रहा है, फेल फी का आपको यहाँ पर साउंड देना, फिलेंथ्रोपिस्ट
वन हु लव मैनकाइंड एंड शो सच लव बाय मेकिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एंड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और बाय डोनेटिंग टाइम एंड एनर्जी टू हेल्प दोज इन नीड, जो मतलब उनकी जरूरत में होते हैं। ये हमने देख लिया। अब आगे वर्ड की बात करते हैं। द रूट जेन, जेन का मतलब होता है वुमेन, इज ऑल्सो फाइनेंस जो उसको पाया जाता है, इसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलो या इसको जेनेकोलॉजिस्ट बोलो। देखो गायनेकोलॉजिस्ट बोलो, यहाँ पे एक वर्ड था जो मतलब सही से आया नहीं, ओके या आप इसको जेनेकोलॉजिस्ट बोलो, जेनेकोलॉजिस्ट बोलो या इसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलो, गायनोकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट आप वो बोलो, बराबर ही है, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। आप इनके इसको जेनेलॉजिस्ट बोल दोगे, जेनेकोलॉजिस्ट बोलोगे या गायनेकोलॉजिस्ट अलग अलग करके बोलोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों में, ओके। अब इसका मीनिंग क्या होता है, अब देख लो भाई, गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब यानी औरत की बात हो रही है। अब एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है हु ट्रीट फीमेल डिसऑर्डर, जो सिर्फ और सिर्फ औरतों की जो डिसऑर्डर होते हैं उन्हीं को ठीक करते हैं। एक मेडिकल दे आप कॉल, आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा गायनेकोलॉजिस्ट। वहाँ आपको एक अगला जो चैप्टर है वो डॉक्टर के ऊपर ही है वहाँ पे, कि आप डॉक्टर को वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो कौन कौन से, मे बी मुझे नहीं पता वो डॉक्टर्स पे, डॉक्टर पे या फिर किस चीज़ के ऊपर, मतलब आएगा एक चैप्टर आने वाला है पूरा पूरा डॉक्टर के ऊपर बेस है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि प्लेट के ऊपर चल रहा है क्या, हाँ प्लेट के ऊपर जो लिखा होता है ना नीचे, गायनेकोलॉजिस्ट या फिर माइंड से कार्डियोलॉजिस्ट होता है, तो इन चीज़ों का मतलब वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जब एक आप डॉक्टर से रिलेटेड एक चैप्टर करोगे। तो आपने यहाँ पे जीन देखा, जीन का मतलब होता है वुमेन, तो इससे वर्ड बना जेनेकोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट। क्या मतलब हुआ इसका, ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट फीमेल डिसऑर्डर, एक ऐसा पर्सन जो और जो सिर्फ वुमेन्स की वुमेन्स के डिसऑर्डर को, औरतों के डिसऑर्डर को ही ठीक करते हैं। एंड रूट गैमोज, गैमोज का मतलब आपने ऊपर देखा था क्या होता है, शादी होता है। ओकर आल्सो इन मोनोगैमी, मोनो का मतलब होता है इकलो एक, और गैमी मोनोगैमी, मोनोगैमी का मोनोगैमी, और एक होता है बायोगैमी, एक होता है पॉलीगैमी, पॉलीगैमी। अब यहाँ पे आपने तीन वर्ड बना लिए मैरिज से, जहाँ लास्ट में देखो गैमी बना हुआ है, गैमी बना हुआ है, गैमी बना हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में आपने देखा पॉली लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है, मोनो लिखा है। मोनो का मतलब होता है एक, बाय बाय का मतलब होता है बी बाय दो, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारी। पॉलीगन आपने सुना होगा ना, पॉलीगन मैथ की वर्ड में आपने सुना होगा, पॉलीगन मतलब बहुत सारे उसकी जो भी होती हैं रेखाएँ होती हैं जो आई डोंट नो, तो पॉलीगन हो गया, पॉलीगैमी हो गया, बाईगैमी हो गया और मोनोगैमी हो गया, ओके। एज वी डिस्कवर्ड लेटर मोनोज मीन वन, बाय मीन्स टू एंड पॉली मीन्स मैनी, बाद में हम इसको डिस्कवर करेंगे, ओके इसका यहाँ बोला गया, ओके। सो मोनोगैमी इज द कस्टम ऑफ द ओनली वन मैरिज एट ए टाइम, मतलब कि एक टाइम में आप एक ही शादी रख सकते हो, मोनोगैमी ये बता रहा है। एंड बायोगैमी, बायोगैमी बाय एटिमोलॉजी इज टू मैरिज इन एक्चुअली द अनलॉफुल एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अनदर मैरिज विदाउट डाइवोर्सिंग वंस करंट लीगल स्पाउस। ये बोल रहे हैं कि बायोगैमी जो होता है, बायोगैमी जो इसके वर्ड के आप अगर रूट पे जाओ, बायो का मतलब हो गया दो और गैमी का मतलब हो गया शादी, दो शादी करना एक अनलॉफुल एक्टिविटी मानते हैं। क्यों मानते हैं कि बिना अगर अपनी वाइफ को आपने वाइफ या चल नहीं रहा यार अटक रहा बीच में क्या हो रहा है, वाइफ या हस्बैंड कुछ भी हो उनको उनको तलाक दिए बिना ही आपने क्या किया दूसरी शादी कर ली, तो क्या होता है उसको एक 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 अनलॉफुल एक्ट मानते हैं इसको, ओके। बात करें पॉलीगैमी, ये तो पता नहीं इसको फिर क्या ही मानोगे, पॉलीगैमी में तो बहुत सारी शादियां हो जाती हैं। बाय डेरिवेशन मैनी मैरिज एंड देयरफॉर एटिमोलॉजिकली डिनोटिंग प्लूरल मैरिज फॉर इधर मेल और फीमेल। ये पॉलीगैमी जो होता है वो ये बोलता है कि वो दोनों के लिए ही है, जरूरी नहीं एक 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 आदमी जिसकी बहुत सारी वाइफ हो या एक एक औरत जिसके बहुत सारे पति हो, तो ये फीमेल हम करते हैं या मेल हम करते हैं, एक मेल जिसकी बहुत सारी वाइफ हो, एक फीमेल जिसके बहुत सारे पति हो, यही बोल रहा है कि मैनी मैरिज एंड देयरफॉर एटिमोलॉजिकली डिनोटिंग प्लूरल मैरिज फॉर इधर मेल और फीमेल दोनों के लिए। इन करंट यूज जनरली रेफर टू द कस्टम प्रैक्टिस इन अर्लियर टाइम बाय मॉर्मन्स एंड बिफोर देम बाय किंग सोलोमन, पहले किसी राजा या फिर बहुत कबीले के द्वारा किए जाते थे। इन विच द मैन हैज़ मैनी वाइफ एज ही कैन अफोर्ड, एक आदमी के पास क्या होता था बहुत सारी वाइफ होती थी, जो मतलब बहुत सारी वाइफ्स को वो अफोर्ड कर पाता था अगर वो अफोर्ड कर सके तो, आज तो एक अफोर्ड नहीं होती
वो एक को भी सोचते हैं वो चली जाए, वो देखो भाई मैं मैरिड बंदा नहीं हूँ, कहीं मुझसे सोचो। मैंने देखा है ये काफी सारे उससे ही परेशान होते वो पॉलीगैमी करेंगे ही कहाँ यार। तो इस चीज को संबंध है क्लियर यहाँ पे। अफोर्ड फाइनेंशियली मतलब वो बंदा राजा था यार, तुम्हें पता ही था यार, वो जाते थे वो पूरा किला ही जीत ले आते थे। अब यहाँ किसी बंदे से मतलब बंदे से कुछ मतलब एक दुकान ना खरीदी जाए, ऐसी ऐसी हालत हो जाती है, वो कहाँ से जाके एक पूरा किला खरीदेगा। तो उस टाइम में उसके अफोर्ड कर सकता था फाइनेंशियली एंड और इमोशनली, और इमोशनली भी भाई बहुत तकड़ा होता था। आज की डेट में अगर इसी एक वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ बोल दे तो ही उसका मुंह सूज जाके वो बैठ जाता है। तो इमोशनली भी उसे स्ट्रांग होना होता था। द करेक्ट बट रेयरली यूज टर्म फॉर दिस कस्टम इज पॉलीजेनी, 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 पॉली मीन्स, पॉली मीन्स हो गया मैनी और प्लस जेन का मतलब हो गया वनी, मतलब ये यूज होता है लेकिन बहुत कम यूज होता है। पॉलीजेनी यानी एक आदमी जिसके पास बहुत सारी वाइफ्स होती हैं। बट इफ वुमेन हैज टू और मोर हस्बैंड, अब औरत को क्या बोलेंगे कि भी उसके पास बहुत सारे हस्बैंड हो। फॉर्म ऑफ मैरिज प्रैक्टिस इन हिमालयन माउंटेन्स और तिब्बत, तिब्बत में जैसा करते होंगे, आई डोंट नो भाई, ऐसी कोई प्रैक्टिस वहाँ चलती है नहीं चलती। दैट कस्टम इज कॉल्ड पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री। अभी आपने अगर 10th अच्छे से कर रखी है तो आपने वहाँ पे देखा होगा ये वर्ड, फूल में एक फूल के अंदर एक ऐसा वर्ड आपने सुना भी होगा, अंकुर ऐसा कुछ करके, तो वो वही है, आप समझ जाओगे वर्ड। क्लियर, दैट कस्टम इज कॉल्ड पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री फ्रॉम पॉली मीन, पॉली मीन प्लस ग्रीक एंड्रोज, ग्रीक एक वर्ड होता है एंड्रोज जिसका मतलब होता है मेल। पॉलीएंड्री का मतलब एक औरत जिसकी बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, क्लियर, और एक आदमी जिसके बहुत सारी वाइफ होती हैं पॉलीजेनी, और इन दोनों के एक मिला जुला हम पॉलीगैमी बोल देंगे, जो हस्बैंड या वाइफ कुछ भी, एक औरत या आदमी जिसकी बहुत सारे हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट, गला सूख गया यार बोलते बोलते। मेकिंग फ्रेंड्स विद, मेकिंग अब मतलब आप इनको, इन वर्ड्स के साथ आप क्या हो, थोड़े से फ्रेंडली हो जाओ, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश वर्ड हैव वेरियस फॉर्म यूजिंग सर्टन सफिक्स, फ्रॉम नाउन रेफरिंग टू पर्सन, अदर सफिक्स आर प्रैक्टिस, एटीट्यूड, फिलोसफीज एट्सेट्रा, एंड स्टिल अदर आर एडजेक्टिव्स। कुछ एक ऐसी सफिक्स हैं जो उसको नाउन बनाती हैं, कुछ एक ऐसी सफिक्स हैं जो उसे एक प्रैक्टिस या एटीट्यूड बनाती हैं, फिलोसफी बनाती हैं, कुछ एक ऐसी सफिक्स हैं जो उसको एडजेक्टिव बनाती हैं। हमें ये देखना है, अभी आपने एक पर्सन देखना है, पर्सन क्या होता है, मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोफी एक पर्सन होता है, वो जो प्रैक्टिस जो करता है वो क्या करता है, मिसेंथ्रोफिक प्रैक्टिस करता है। मिसेंथ्रोफी, मिसेंथ्रोफ का मतलब होता है एक मैं ह्यूमन जाति से नफरत करने वाला, तो प्रैक्टिस कर रहा है ह्यूमन जाति से नफरत करना, एक प्रैक्टिस कर रहा है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, उसका होता है मिसेंथ्रोफिस्ट, IST लगा दिया यहाँ पे, ओके। मिसेंथ्रोफ एक पर्सन होता है या मिसेंथ्रोफी उसे बोल लो, वो प्रैक्टिस करता है मिसेंथ्रोफी की, और एडजेक्टिव उसका यानी क्वालिटी होती है, क्वालिटी दर्शाने के लिए यूज करते हैं एडजेक्टिव, तो वो होती है मिसेंथ्रोफिस्ट। मिसोजेनिस्ट एक पर्सन होता है, ठीक है, मिसोजेनिस्ट एक वो प्रैक्टिस करता है मिसोजेनी नफरत करना, और उसकी एडजेक्टिव होती है क्वालिटी मिसोजेनियस या मिसोजेनेस्टिक, मिसोजेनेस्टिक, ओके। गैनिकोलॉजिस्ट एक पर्सन होता है, गैनिकोलॉजी एक प्रैक्टिस होती है, गैनिकोलॉजिकल क्या होता है वहाँ पे एक एडजेक्टिव होते हैं। मोनोगैमिस्ट, मोनोगैमिस्ट एक पर्सन होता है, मोनोगैमी का बहुत सारी शादी करना एक फिलोसफी होती है, तो यहाँ पे एक ये होती है प्रैक्टिस मोनोगैमियस, मोनोगैमियस एक होता है, मोनोगैमियस एक एडजेक्टिव होता है, क्लियर, ओके। बाइगैमिस्ट, बाइगैमिस्ट का मतलब दो शादियां करने वाला, बाइगैमी यानी करना, और बाइगैमियस एक एडजेक्टिव होता है यहाँ पे। पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट और पॉलीगैमी और पॉलीगैमियस ये वर्ड आपने देख लिया। पॉलीजेनिस्ट, पॉलीजेनिस्ट, पॉलीजेनी, पॉलीजेनी, पॉलीजेनियस। पॉलीएंड्रियस्ट, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्रियस। फिलेंथ्रोफिस्ट, फिलेंथ्रोफी, फिलेंथ्रोफिक। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल, ओके। ये आपको याद नहीं, मतलब कि आपको देखने हैं अच्छे से, समझने हैं, बिल्कुल इजी से हैं, आपने वर्ड्स अच्छे से कर रखे हैं तो याद हो जाएंगे एक बार में ही, एक बार में नहीं होंगे तो दो बार में हो जाएंगे, लेकिन याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद नहीं होंगे, क्लियर यहाँ पे, ओके। कुछ एक एक लास्ट वर्ड बच गया है अब यहाँ पे, इसको और देख लेते हैं। एसेटिक, हम मैंने एक वर्ड कराया था आपको, एसेटिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो लग्जरी लाइफ से दूर रहता है, जिसको अकेला पसंद है, एक सन्यासी बंदा, एसेटिक उसी वर्ड से मिला है,
एस्केट्स, एस्केट्स का एक मॉन्क, मॉन्क होता है या हेरमिट होता है, एक संत कह लो उसको, ए मॉन्क लिव ए लोनली लाइफ, नोट फॉर हिम द प्लेजर ऑफ द फ्लैश फूड, द लाफ्टर एंड मेरीमेंट ऑफ कन्वीवियल गैदरिंग, उसे पसंद द डिस्प्लेशन ऑफ द हाई लिविंग, डिसिपिएशन ऑफ द हाई लिविंग, उसे पसंद नहीं होता ये मतलब कि लग्जरी लाइफ पसंद नहीं होती उसे, हंसना मतलब एक वो जाए कोई कॉमेडी शो में या उत्सव बनाए, उसे वो चीज़ें पसंद नहीं, उसे अकेला रहना पसंद होता है। रेदर डेज ऑफ कंटम्पलेशन, कंटम्पलेशन का मतलब होता है सोच विचार करना, स्टडी करना, एंड रफ रफ टॉयल यानी एक हार्ड जीवन जीना, नाइट ऑन हार्ड बेड इन ए सिंपल सेल, एंड द काइंड ऑफ सेल्फ डिनाइल दैट लीड्स टू प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, वो सेल्फ डिनाइल करता है, वो सोचता है कि आत्मा की संतुष्टि ही इस चीज़ में है। दैट पर्सन इज एसेटिक, ये पर्सन एसेटिक होता है, हु लीड एग्जिस्टेंस वॉलेंटियरली ऑफ द कोर्स, जो खुद अपनी इच्छा पे इस चीज़ को जीता है। दैट कंपेयर ऑस्टेरिटी सिंप्लिसिटी रिग्रेस हार्डशिप विद द लाइफ ऑफ द मॉन्क, द प्रैक्टिस इज कॉल्ड एसेटिसिज्म, ये प्रैक्टिस जो कहलाएगी वो एसेटिसिज्म कहलाएगी, द एडजेक्टिव एसेटिक, एडजेक्टिव बोलेंगे उसको एसेटिक, ओके एसेटिसिज्म और एसेटिक, ध्यान रखना है आपको एसेटिस दोनों ही मतलब एसेटिक एक नाउन का वो मतलब दोनों ही है। ओके पीछे वाला आ गया, नेक्स्ट आपको वीडियो पॉज करनी है, वीडियो पॉज करनी है और वीडियो पॉज करके आपको ये वर्ड्स जो हैं आपको खुद बोल के देखने हैं। मैं तो बोल ही दूंगा, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, मेरी तो मतलब कि और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको बढ़ाते बढ़ाते, लेकिन मुझे असली काम करना है आप लोगों पे। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, वर्ड्स को बोलना है, लाउडली बोलना है, एज कैन यू मतलब कि कितने भी लाउड आप बोल सकते हो, अगर आपके घर वाले आपको अलाउड कर लें या जहाँ बैठे हो आप वो अलाउड कर रहे हैं तो आप इसको लाउड भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है अभी। तो चले शुरू करें, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड एम्बिडेक्स्ट्रस, यहाँ देखो एम्बिडेक्स्ट्रस, इसको ऐसे बोला जाता है एम्बिडेक्स्टरिटी, 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 यहाँ पर आई आना था एम्बिडेक्स्टरिटी, ओके डेक्स्ट्रस, डेक्स डेक्स्ट्रंस, डेक्स्ट्रस, ओ डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, डेक्स्टरिटी, डेक्स्टरिटी, सिंस्टर, सिंस्टर, गोश, गोश, गोश कैसे बोलना है, से इंग्लिश वर्ड गो, इंग्लिश वर्ड में हम गो को कैसे बोलते हैं, गो, और क्विकली उसके बाद ऐड करना है गोश, क्लियर, गोश्री, 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 एड्रोइट, ए ए छोड़ना है, एड्रोइट, एड्रोइट, एड्रोइटनेस, एड्रोइटनेस, ओके एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, 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 एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, ओके एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, 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 फिलेंथ्रोफी, फिलेंथ्रोफी, नेक्स्ट बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हमने किए हैं, फिलेंथ्रोफिक, फिलेंथ्रोफिक, गायनेकोलॉजिस्ट, जिनेकोलॉजिस्ट बोलो या गिनेकोलॉजिस्ट बोलो या जिनेकोलॉजिस्ट कुछ भी बोलो बराबर है चलेगा, दोनों जोड़ेंगे, गायनेकोलॉजिक या जिनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल या जिनेकोलॉजिकल, मोनोगैमिस्ट, 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 मोनोगैमी, मोनोगैमी, मोनोगैमियस, ओके क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं, बायगैमिस्ट, 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 बायगैमी, बायगैमी, बायगैमियस, बायगैमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीगैमियस्ट, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे लिखते वक्त, पॉलीगैमी बोलेंगे, पॉलीगैमिस्ट बोलेंगे, पॉलीगैनी, पॉली पॉलीजैनिस्ट, पॉलीजैनिस्ट, पॉलीजैनी, पॉलीजैनी, ये रहा पॉलीगैनियस, पॉलीगैनी, पॉलीजेनियस, पॉलीजेनियस, ये आना था पॉलीजेनियस, ये क्या हो गया कि जहाँ से मैंने लिखा है ना मतलब ये कॉपी करता हूँ ये चीज़ें मैं, तो जैसा मुझे आया मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो गया था, मुझे देखते देखते कुछ एक मिस हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा जो आपको PDF मिले वहाँ ये आपको सही मिल जाए, कोई ना इसको मैं सही कर दूंगा, प्रोनंसिएशन जो मैंने किया वैसे ही आपको करनी है। ओहो ये और भी बचे हुए हैं, मैंने सोचा खत्म हो गए यार, चलो कोई ना मैं भी कर रहा हूँ आप भी करो, मुझे खुद लग रहा है लेंथी हो गया यार, एक तो लेंथी इसलिए हो गया ना क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा है लेंथी, 22 मिनट की मैंने पहले बनाई, 16 मिनट की फिर मैंने पहले फिर बनाई, यानी 38 मिनट की वीडियो, अप्रोक्सीमेट 40 मिनट की वीडियो मैं बना के
डिलीट कर चुका हूँ। तो जो पहले पढ़ाने वाला जो जो होता है ना एनर्जी होती है, वो तो यार यहीं खत्म करवाती 40 मिनट की। सोचो वो 40 मिनट में यहाँ लगा रहा होता सेकंड टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम में, तो कितना अच्छा होता ना। कोई ना, अभी क्या है, मैं इतना ही करवाऊंगा, इसके बाद इतना बंद करता हूँ, और इसके बाद जस्ट इसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो अलग कर दूंगा मैं। और उसमें क्या है, आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्रैक्टिस अलग से करवा दूंगा, एक अलग से वीडियो बना के। बस आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर लो, प्रोनाउन कर लो, इसकी इतनी ही बहुत है। पोलियंड्रिस्ट, पोलियंड्री, पोलियंड्रेस, मिसेंथ्रोफिस्ट, मिसेंथ्रोफी, मिसेंथ्रोफिक, मिसोजेनी, मिसोजेनियस, मिसोजेनिस्टिक, मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमियस, एसेप्टिसिज्म। क्लियर? यहाँ पे अगर आप वर्ड देखो तो 21 वर्ड यहाँ पे हैं। ओके, 21 वर्ड वहाँ है, 21 वर्ड यहाँ है, तो ये वर्ड हो गए 42, और 10 वर्ड मैंने स्टार्टिंग में कराए थे तो 52, और उसके अंदर शायद मैंने 13 वर्ड आपको करा दिए हैं, शायद 13 वर्ड मैंने करा दिए हैं, 13 तो कराए ही कराए, इससे ऊपर कराए हैं मैंने तो 65। मतलब मैंने इसको अगर आप देखो तो 65 वर्ड्स आप यहाँ से याद करके जा रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आपको याद होने वाली चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। अब इसके बाद ये प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुझे करानी है, काफ़ी लंबा चलेगा ये सेशन। कोई ना, इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा, अगले लेक्चर में ही ये प्रैक्टिस है, वीडियो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। कुछ एक मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ, यार मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेना मुझे अच्छा लगता है, काश ये मेरे ख़राब ना होते, काश काश आ गया ना। चलो कोई ना, ज़िंदगी में कभी काश नहीं बोलना भाई, होती है, उससे भूलो, आगे बढ़ो। बस एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूँ, वीडियो दे देता हूँ, दे दूंगा मैं, टेंशन ना लो यार, यकीन करो। आपको ये वर्ड याद करने हैं, अच्छे से याद रखने हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस आएगी, वो प्रैक्टिस करनी है आपको। क्लियर यहाँ पे? तो हाउ द जोश, कहना है हाई है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को एनर्जेटिक रखने की, लेकिन भूखा हूँ यार, अकेला रहता हूँ, मतलब कि बैचलर लाइफ है तो खाने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ खा के आऊँगा बाहर से, एनर्जी आएगी फिर बोलने की, फिर कराऊँगा। क्लियर यहाँ पे? तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को अगर तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और देखो यार बहुत मेहनत है यार, बहुत लग रही है मेहनत, बहुत अच्छे से कराने की कोशिश है। अगर आप ये YouTube पे देखो तो आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगी यार, यकीन मानो, ऐसा कोई नहीं कराता हुआ मिलेगा। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कोई केवल ग्रामर ही नहीं आती है इंग्लिश में। आप सोचो कि ग्रामर करके ही मैं इंग्लिश को क्रैक कर दूंगा, मतलब सीजीएल में मैं क्रैक कर जाऊंगा, सीडीएस में क्रैक कर जाऊंगा, या बैंक क्रैक कर जाऊंगा, तो एक वहम होता है। इंग्लिश बहुत मिली जुली चीज़ें होती हैं, आपको वोकैब, वन वर्ड, एक वन वर्ड, एक आप कह सकते हो एक वोकैबी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इडियम्स करने पड़ते हैं, फ्रेज करने पड़ते हैं, वो कैब, ये वन वर्ड आपको करने पड़ते हैं, ग्रामर अलग से करनी पड़ती है, कॉम्प्रिहेंशन आपको समझना अलग से पढ़ना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिलके एक इंग्लिश बनाती है। केवल ग्रामर इंग्लिश नहीं बनाती है, ग्रामर कर लोगे तो उसमें बहुत सारी, एक वर्ब का एक चैप्टर आता है, तो वर्ब कहाँ से करोगे, तो वो वर्ब आपको पढ़नी पड़ती है, वो भी मैं कराऊंगा। एक कंप्लीट जो ग्रामर का एक कोर्स होता है वो मैं कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ये नहीं कि ग्रामर करा दी तो छोड़ दिया, पूरा कंप्लीट इंग्लिश का। ओके, जो मुझे लगता है, मुझे फील होता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए भाई, आपके कराने वाला को ये चीज़ें कराए, आपको मेहनत करें, मतलब लेवल उठ चुका है तो लेवल मैं भी थोड़ा सा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एज यूजुअल यार सपोर्ट करो यार, शेयर करो वीडियो को जितना हो सके, चैनल को भी शेयर करने की कोशिश करो, चैनल को पता नहीं कैसे शेयर करोगे, लेकिन वीडियो को शेयर करो जितना आपसे बल पड़े, कोई पैसा नहीं लग रहा है, और बहुत क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्लियर? यहाँ पे एज कम्पेयर टू अगर मैं फर्स्ट वीडियो से देखूँ तो आज की अगर मैं इस वीडियो में बात करूँ तो बोलने का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, लेकिन अगर ऑफलाइन में बात करता हूँ तो ऑफलाइन में इंटरेक्ट काफ़ी अच्छे से कर पाता हूँ मैं, उनको समझा पाता हूँ। आई डोंट नो इन दिस प्लेस हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, कितना वो समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और अपने विचार, जो अपने विचारधारा है, आइडियोलॉजी, वो अपने कमेंट में बताना मुझे, आपको समझ आती है नहीं आती। अगर आप जब कंप्लेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे समझूंगा कि आप लोगों को कितना समझ में आए। तो चलिए अभी जाता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक टाइम बाद, जैसे ही वीडियो आप कंप्लीट करोगे डेफिनेटली, जब तक आप ये कंप्लीट कर लोगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिल चुकी होगी, वो भी प्रैक्टिस से रिलेटेड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।